सो एज प्रॉमिस्ड हम श्रद्धा के साथ भी लाइव चैट करेंगे. हाय एवरीवन, हाय प्रीतम, हाय किशन, हाय हाय अदितिका, मलाइका, मलीहा, हरविंदर, आंचल, हाय श्रद्धा. चलो लेट्स टेक यू इन. वेयर इज योर कॉफी? आई विल मेक माई कॉफी नाउ. We thought that since Shraddha was supposed to come on, हम आप सबको निराश नहीं कर सकते. Hello. Hi. I'm sorry. No. सब लोगों को भी sorry और जानवी को भी sorry. No. कि वो पहली बार में नहीं आ पाए. No. तेरा काम हो गया? और हाँ. ओह सॉरी. हाँ हाँ. और कैसा रहा? सब लोग थे, सब लोग साथ में. ऐसे भी हुआ बिकॉज अंशा न्यू के ब्रो इज वेटिंग, ब्रो न्यू दैट यू विल बी वेटिंग. तो थोड़ा ऐसे भी हुआ कि चलो ज्यादा एक घंटे के ज्यादा नहीं करते, यू नो, फटाफट मील से हाय एंड एवरीथिंग टू एवरीवन, फिर थोड़ी बात करते एंड देन यू नो वी लेट द अदर वन आल्सो कम इन. यू वोंट बिलीव सो मेनी पीपल आर वाचिंग. वाओ, कांट बिलीव दिस. या तो आप मुझे, आप सबसे पूछना, आप लोग अभी भी सीआईडी देख रहे हो? कितने बजे आता है? रोज आता है, मैंने सुना है. अभी सीआईडी देख रही है, रहा हूँ. कोरोना का मेडिसिन बनाओ, दे आर टेलिंग. सो मेनी पीपल आर सेइंग डॉक्टर सागुन के एंड डॉक्टर तारिका शुड कम अप विद द एंटीडोट. हाँ हाँ हाँ, कोशिश करेंगी, कोशिश करेंगी. काश, पता है, यू नो जानवी के 20-21 साल पहले एक एपिसोड आया था जिसमें यही दिखाया था. मुझे शिवाजी सर ने एक स्टोरी की लिंक भेजी, स्टोरी की नहीं, एक पोस्ट की लिंक, जिसमें हाँ 20-21 साल पहले वेरी सिमिलर टू कोरोना. या सो पता है, लेकिन तभी हम, ये बहुत ही पुराना एपिसोड होगा, मतलब हम इमेजिन लाइक 2021, मतलब आई थिंक जस्ट सीआईडी शुरू हुआ होगा और ये सब की बात है. इन्होंने भाई, पता नहीं कौन फोरेंसिक डॉक्टर थे, सालुंके सर थे या कोई और, वो मुना बेगावकर या वो थे, बट देन दैट वाज कमेंडेबल, वेरी सिमिलर टू कोरोना वायरस. जो भी अभी सिचुएशन है ना, सिनेरियो एग्जैक्टली वो था. मेरे सनग्लासेस पे रिफ्लेक्शन आ रहा है ना. हाँ, सोनीपाल. ओके ओके ओके, तू देख रही है? मैं यूट्यूब पे देखती हूँ. Because during the day, if I'm not able to catch it on TV, so for me it is better to see it on YouTube or on the Sony Live. Sony 1998 का एपिसोड था. ओह, लिखा उन्होंने. ओह वाओ, सो इट वाज जस्ट द बिगिनिंग एकदम. हाँ, और मतलब वो टाइम पे कौन, किसने लिखा था पता है? सीधा जाकर श्रीधर राघवन एल्डर ब्रदर श्रीराम राघवन, श्रीराम जी ने लिखा था, जिन्होंने वो फिल्म बनाई है ना, एजेंट विनोद और बदलापुर, और उससे पहले कौन सी, एक हसीना थी. हाँ, ये कह रहे श्रद्धा ब्यूटीफुल, जानवी मैम, श्रद्धा मैम, यूट्यूब, सोनी लिव ऐप में सीआईडी देखती हूँ. हाँ, मैं भी देखी अभी भी पुराने एपिसोड्स एंड ऑल. यू गो एंड वॉच. एंड सोनी लिव ऐप हैज ऑल
the episodes from episode number 1 to the last episode. Achha. Yeah. Achha. Yeah. Wow. Yeah. Yep. Spanish babies was inspired by Spanish flu. Yes, you're right. One meetup rakho please, no ma'am. तो जैसे अगर अगर ये इंस्टा पे बाय द वे सब क्लाइंट्स के लिए हम लोग व्हाट्सएप कॉल पे चारों गए थे वो सबने आपने फोटो देखा लेकिन अगर ये इंस्टा पे अगर ये फीचर होता कि चारों एक साथ जाते तो मजा आता वी कुड आई नो या आई नो आई विश बट यार और अभी होना चाहिए ना बिकॉज़ ऑल द अदर वीडियो कॉलिंग एप्स आर अलाउइंग मोर देन 4-5 पीपल सो आई थिंक इंस्टा शुड डू समथिंग Insta should do something, yes. देखते हम लोग हम मैं बाकियों को भी कह रही हूँ हम लोग कोशिश करेंगे कभी Zoom पे जाने Zoom पे ताकि हम सब एक साथ बात कर सके I don't know सारा conversation हम यहाँ पे कैसे दिखाएंगे पर हम थोड़े snippets दिखाने की कोशिश करेंगे मतलब वो Zoom पे conversation ऐसा everybody everybody like all the cops जो भी आ सकता है इनफैक्ट या या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ज़ूम पे अच्छा आज ही मैं ऋषिकेश के साथ बात कर रही थी क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इज साइंस बोले बहुत काम होता है इतना ज्यादा एंड ही इज आल्सो वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम दीस डेज पर इतना काम होता है सन इज योर देन भाई का बेटा एंड तो सारा मतलब वो बोले आधा दिन तो ऐसे ही जाता है काम में सीरियसली आफ्टरनून तक तो घर काम में यू आर बिजी करेक्ट है ना तेरा भी बहुत होता होगा एंड देन वी आर डिस्कसिंग बिग टाइम पॉलिटिक्स करंट सिचुएशन ये वो पॉलिटिकल पार्टी है तो लंबी कॉन्वर्सेशन चली या आई कैन इमेजिन और क्या बोलते हो जूम हैक कर लेगा लॉकडाउन 5.0 और अनलॉक 1 यो व्हाट इज माय शेड्यूल Home Ministry has, you know, come out with the rules and regulations about the next phase of lockdown, which they are also calling as Unlock 1, because now, dheere dheere, we'll be starting to unlock things, you know, places yes. and all. Yeah. Yes. Yeah. So, 8th June ke baad, all the religious places like temples, gurudwaras, mosques and everything will start churches and all. Restaurants and hotels and hospitality wala sab khul jayega and malls khulenge but then all the states will have to come up with their own rules according to how the situation is in their state yeah. So now we'll wait for I'm just so happy thode bahut log aise I know I mean we have to Quarantine, okay. थोड़े मतलब इतने दिनों बाद there is little liveliness. People are out and you know you could see people walking, taking walks and I know with all the precautions, but in a way it gives me happiness also. Okay, भाई चलो इतने दिन बाद थोड़ा सा normal हुआ. Yeah. नहीं तो वो इतना sulking वाली feeling आ रही थी हाँ. Yeah. But Yeah, we have to take care, everybody. मतलब I'm still the मैं नहीं गई हूँ अभी तक सिर्फ बिल्डिंग के नीचे थोड़ा सा ऐसे गई थी और otherwise it's been the same आये but आदत हो गई अभी हाँ है ना किसको किसको बोला था कि आप दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है what's your qualification जानवी I'm a graduate in BCom And I've done a diploma course in dramatics after that. In dramatics? Oh. Tu? मैंने किया है किसी ने पूछा है नीति ने पूछा है मैंने किया है BMM bachelor's in mass media नीति and then specialized in journalism. Oh really? Even if yeah yeah oh you didn't know? Know that yeah wow that's interesting. I opted for journalism. More than half of my class opted for advertising. Everybody wanted to be in advertising. But I opted for journalism, although I knew that I don't want to be a journalist, but I wanted to study journalism. And then फिर मैं hospitality में गई क्योंकि मेरे को hospitality करनी थी और फिर वहां से फिर मैंने modeling की और modeling से फिर acting की और ऐसे करते करते करते
कभी कभी होता है यू नॉट श्योर कि तुमको अपने करियर पे क्या करना है ना. Those days you're just figuring out. I also wanted to do something in arts field, something creative, performing arts. I wanted to do something related to fashion designing. NIFT mein I gave my entrance exam, I did not get through. So then I was like, okay, graduation to karni hai. Kisi bhi hal mein you need a degree. That is what I thought, and that's what my parents also advised me. So whatever you do, graduation you have to do. Phir aap saath saath mein kuch bhi kar. तो कॉलेज से ही आई गॉट दैट आई गॉट वेरी इन्वॉल्वड इन ऑल दोस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड आई यूज्ड टू गेट यू नो या एंड माय रिपोर्ट कार्ड आल्सो दैट आई एम पार्टिसिपेटिंग एंड विनिंग एंड ऑल दैट एंड ग्रेजुएशन खत्म करके आई डिड डिप्लोमा यू नो टू बी ऑन दैट पाथ टू बी ऑन स्टेज एंड एवरीथिंग. यू न्यू, तुझे पता था कि तुझे ये करना है पहले से, मतलब जस्ट इमेजिन कॉलेज के बाद ही तुझे पता था कि तुझे ये करना है जो मुझे नहीं मुझे पता था कॉलेज में. लाइक मुझे पता था कि मुझे स्टेज के रिलेटेड कुछ करना है. आई वाज नॉट श्योर अबाउट एक्टिंग. सो बिकॉज़ आई वाज प्रीटी टॉल एंड आई वाज प्रीटी थिन दैट टाइम. सो एवरीवन वुड बी लाइक यू नो मॉडलिंग भी करो एंड आई वाज वेरी गुड एट डांसिंग आल्सो. सो देड बी लाइक यू नो यू कैन लर्न डांसिंग, यू कैन डू समथिंग इन दैट. एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग. बट फिर ड्रामेटिक्स का मैंने जो डिप्लोमा कोर्स किया ना, आई फेल्ट लाइक दिस इज इट. बस हो गया, आई फाउंड व्हाट आई वांट टू डू. वो कहाँ से किया? बॉम्बे में ही किया ये ड्रामेटिक्स का कोर्स? मिथिबाई. अच्छा, यू आर मिथिबाई गर्ल? नो, माय कॉलेज वाज वितामरा, एमके सांगवी. ये एमके सांगवी इज इन अंधेरी. नो, एमके सांगवी अंधेरी में ना, जू सर्कल के पास. जू में? हाँ, जू सर्कल. आई सीन, आई सीन. हाँ, चंदन. गुड कॉलेज ना? गुड कॉलेज. या It, when I joined, it was pretty new. Tabhi itna time nahi hua tha usko, but it was good. We had like a good campus and everything. Good, yeah, it was fine. But Mithibai College mein there was this drama academy. Wahan par maine kiya tha 1 year diploma course. Yeah. सारिका जी ने फोरेंसिक किया है. फोरेंसिक नहीं, मैंने साइंस तो पढ़ा भी नहीं है. मैंने सिर्फ 11th 12th साइंस किया, फिर बाकी तो मेरे को कुछ डॉक्टरी का कुछ नहीं पता. मैं तो ऐसे ही फोरेंसिक लैब में कुछ 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 करते थे. अंशा का क्वालिफिकेशन नीति मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. मे बी शुमक भी ग्रेजुएशन किया होगा, बट हमने कभी पढ़ाई की बात ही नहीं की. Bandra, I think. I'm not sure. मुझे याद नहीं आ रहा है. I don't know. Maybe she was in Rizvi or Andrews or Nationals or something. ऐसे Bandra के किसी कॉल. I'm not sure actually. I should. Okay, okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Who's your favorite actor in CID? हम ऐसे नहीं बताएंगे फेवरेट एक्टर. यहाँ पे इतने सारे एक्टर्स में हम थोड़ी ना नाम लेंगे हमारा फेवरेट कौन है. तो फिर बाकी लोग कॉल कर देंगे. How did you? हाँ, तो नहीं. हाँ, ऐसे तो नहीं चलेगा. हम अगर होगा भी तो भी नहीं बताएंगे. वो तो हमें पता है, बट हम लाइव पे नहीं बता सकते. और ऐसे एक का नाम नहीं ले पाएंगे ऐसे. बेबी रैंकिंग थोड़ा सा. हाँ, सीआईडी को छोड़ के आप लोग बाकी सीरियल्स में काम करोगे? ओनली सीआईडी नहीं, नहीं करेगी ना? आश्रिया तो रेडी है काम करने को अब भी, वो लॉकडाउन के. मैं वेट ही कर रही हूँ, लॉकडाउन खत्म हो. मैं अपना वैनिटी लेके, वैनिटी मेकअप बैग लेके गाड़ी में बैठ के मैं पहुंच जाऊंगी. नो गाइस, विक्रम इज आस्किंग व्हाट इज द. ओके, डोंट टेक इट सीरियसली. या या या, शी इज स्टिल विद निर्वी. अच्छा, विक्रम इज आस्किंग व्हिच इज द फनीएस्ट मोमेंट यू रिमेंबर इन सीआईडी. कुछ कुछ याद है जानवी? नहीं यार, ए आई कांट पिक वन. लाइक यू नो एवरीवन विल आस्क. मैं बताती हूं, मुझे अभी याद है. हां बोल. मैं बताती हूं, मुझे याद है कि हम लोगों ने शूटिंग कर रहे थे और 12:30 1 हुए थे और जनरली लंच टाइम होता है 1:30 को. और वो फर्स्ट फ्लोर पे ब्यूरो पे शूट कर रहे थे, मतलब हम भी कभी कभी ब्यूरो जाते थे ना पैसे. और किसी ने तो गए थे अभिजीत सर ने. हाँ, ब्लू वाला ब्यूरो पुराना, ब्लू वाला ऊपर फर्स्ट फ्लोर वाला ब्यूरो था वो, उसका मुझे याद. फिर बाद में नीचे आए थे ना ग्राउंड फ्लोर पे, फोरेंसिक के बगल में आए थे ना हम. तो किसी ने तो भी ना गाड़ी का टेस्ट ड्राइव बुलाया था. आई थिंक अभिजीत सर ने ऐसे न्यू गाड़ी का टेस्ट ड्राइव बुलाया था. तो कोई तो भी नीचे आके गया कि वो गाड़ी आई है टेस्ट ड्राइव के लिए एंड ऑल. तो हम सब ने तो एक्चुअली ब्रेक नहीं हुआ था, सिर्फ एक शॉर्ट कट हुआ था
अच्छा प्लीज, चलो 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 चलो, गाड़ी आई गाड़ी आई, ऐसे करके सब जन है ना टेस्ट ड्राइव पे चले गए, और मैं ब्रो ब्रो डिक्की में बैठ गया, हम सब ऐसे बैठ गए, और जिन्होंने एक्चुअली गाड़ी बुलाई थी ना टेस्ट ड्राइव के, उनको जगह ही नहीं बैठने की, तो वैसे बाहर खड़े हम सब बैठ गए टेस्ट ड्राइव, इट वाज सो फनी। और हम एक्चुअली गए टेस्ट ड्राइव के लिए, पूरा वो पूरा बैक रोड मलाड वलाड इनोबिट सब घूम घूम के गप्पे मारे, और अरे मैंने यार इतनी मतलब ऐसी कैसी शूटिंग हो रही है कि बिना ब्रेक के सब ऐसे बाहर निकल गए घूमने, और एंड इवन द डायरेक्टर वॉज नीचे, संतोष सर वॉज देयर, डायरेक्टर भी नीचे, वो भी, और फिर वो गाड़ी को देख रहे, हाँ, सम कोडा की कोई गाड़ी थी एंड ऑल, हाँ ये अच्छा है ये सही है, मतलब तो मुझे वो बहुत फनी लगता है वो इंसिडेंट, मतलब इट वाज सो मच ऑफ मस्ती दैट होता है ना, स्पेशली कि ओ चलो ब्रेक में जाएंगे ये वो। एंड फिर पता है क्या, फॉर देन इट्स अ रायट, आप बस साइड में बैठ के देखो एंड इट इज सो मच फन, यू आर लाफिंग, ओ माय गॉड. एंड वो शाम को जब ब्रेक यू नो अराउंड 7 o'clock ब्रेक होता था ना, तो उसके कभी कभी ना वो टाइम पे हम शूटिंग ही कर रहे होते थे, और गरम गरम नाश्ता आता था, तो आई रिमेम्बर कि तभी वो कभी भजी आती थी ना, वो कांता भजी और बटाटा भजी और वड़ा पाव, तो लिटरली भूख लगी होती थी और तभी कट नहीं होता तो देखे ऐसे खाते ऐसे खड़े मुंह में अभी भी है खाना और कभी कभी एक्चुअल हो जाता, हाँ तो ऐसे फटाफट फटाफट खाओ, जब एक ब्रेक हुआ एक बाइट ले लो फटाफट, और वापस जल्दी 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 चबा के अंदर डालो ताकि पता ना चले कि तुम खा रहे हो। सो ऑल दीज आर वेरी रैंडम वाइल्ड स्टोरीज, मेरे को सोच के ऐसे यू नो इट जस्ट ब्रिंग्स अ स्माइल टू माय फेस। Yeah. And you remember the coffee? Coffee King? तुम लोग तो कॉफी स्पेशलिस्ट थे, मतलब तब तभी मुझे कॉफी उतनी, आई वाज नॉट सच अ कॉफी पर्सन देन, बट तुम लोग तो सॉलिड कॉफी वाले लोग थे, है ना। कामधेनु वाज लाइक शाम होते से ही सातम सर वुड बी एसीपी लाइक सर कॉफी किंग, मंगवाते थे कॉफी कहीं किंग. से, या कॉफी किंग से, एक एक स्पेशल एक कॉफी के लिए स्पेशलिटी, देयर वाज दिस कैफे वेरी स्मॉल कैफे, और जो वहां से जो कॉफी बन के आती थी ना, और बड़ी स्ट्रांग होती थी, तो मतलब वो एक कॉफी को दो तीन पार्ट में हम अलग करते थे, उसमें थोड़ा दूध डालते थे याद है, उसको थोड़ा नो डायल्यूट नो करते थे नो ना, नो बिकॉज दैट व्हाट कॉफी वॉज हैपेंड वेरी इज स्ट्रांग। नो 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 सो देन द पीपल एट द कैफे वर टोल्ड ओनली टू मेक इट लाइट. सो देन नाउ इवन नाउ इफ यू गो एंड इफ यू टेल देम आई वांट वन सीआईडी लाइट, सो दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू मेक. अभिनव इज आस्किंग व्हाट्स योर फेवरेट फूड, माय फेवरेट फूड राइट नाउ आई एम क्रेविंग अ वड़ा पाव. आई मिस और तो वड़ा. बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, अभी इतने दिनों से कुछ कुछ खाया नहीं है, हाँ यार. और रुक जा मैं देख रही हूँ समथिंग श्रद्धा मैम, डू स्पीकिंग यू इंग्लिश, रिमेम्बर द फर्स्ट शॉट विद अभिजीत सर? आई डोंट रिमेम्बर फर्स्ट शॉट विद अभिजीत सर, आई रिमेम्बर माई फर्स्ट शॉट, हाँ मतलब वो तो तुम लोग को भी पता है, मैं ट्रेडमिल पे थी, मैंने पिंक कलर का कोई ट्रैक सूट पहना था ट्रेडमिल पे, एंड इन द लैब. इन द लैब, दैट वॉज माई फर्स्ट शॉट, वो तो मेरे को याद, मुझे याद है, सेकेंड एपिसोड भी याद है, इतने ज्यादा लाइन्स दिए थे कि मेरे से लाइन्स ही नहीं हो पा रहे थे, दैट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, मतलब कोई मुझे बोलेगा तुम्हें लाइफ का सबसे वर्स्ट डे कौन सा है, तो मैं वो दिन है मेरा, कि मेरे को मतलब ऐसे, हाँ मिश्रा जी थे, उनको वन शॉट लेना था, एंड ओ गॉड दैट्स अ स्टोरी, बताऊंगी मैं डिटेल में, हॉरिबल ऐसे, मैं कभी कभी दिमाग ब्लैंक हो जाता है ना तुम्हारा, कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आता, वो एग्जाम में नहीं होता है प्रैक्टिस, जब कुछ कुछ भी नहीं समझ में आता व्हाट्स हैपनिंग, वो हो गया यू था जस्ट ब्लैंक, या यू जस्ट गो ब्लैंक. सीरियसली। तारिका भाभी अभिजीत भैया कहाँ है, ए भाभी भैया चित्रा मारूंगी ना भाभी भैया, आश्रिया मैम बहुत सुंदर, थैंक यू, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है. थैंक थैंक यू मैम, वो यू. पूर्वी मैम, पूर्वी मैम आके गई ना बाबा, पूर्वी मैम का आपने सुना होगा ना, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, हाँ, पूर्वी और पंकज के साथ वाला वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है. पंकज क्या बोलता है, मस्ती में गाड़ी में होगा पंकज ना गाड़ी में था तो मैंने उसको वही पूछा, तो गाड़ी में क्वारंटाइन कर. पंकज को देखे खुश हो गए, पंकज पहली बार आया है ना,
हम तो फिर भी आते रहते हैं, है ना। हाँ, सीनियर कॉप्स के बारे में कभी बोलो, कभी सीनियर कॉप्स के बारे में बताओ, बताओ सीनियर कॉप्स के बारे में। सीनियर कॉप्स के बारे में. ओके, वील डू वन बाय वन. ओके, वन लाइन फॉर एवरी कॉप. यू हाँ से ऑल्सो से. ओके, सो अभिजीत सर, यू गो फर्स्ट. एक सेकेंड ना, मैं ना तुम देख नहीं रहे हो। मैन विथ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वेरी सिंसियर इन हिज वर्क, और अ वेरी गुड फ्रेंड, अ वेरी गुड, यू नो क्या बोलते हैं, यू नो कैन शेयर एनीथिंग विथ हिम, गिव गुड करेक्ट. एडवाइस। या करेक्ट. आई अग्री अबाउट द एडवाइस पार्ट. वेरी गुड लिसनर. बहुत वेरी गुड मतलब लिस्टनर। आपको कहीं हेल्प चाहिए या आपको उनकी एडवाइस चाहिए तो लाइक ही सच अ गुड लिसनर एंड एवरीथिंग. एंड यू नो एक्टिंग वाइज सिर्फ उनको ऑब्जर्व करके, उनके साथ काम करके, ही इज लाइक अ वॉकिंग टॉकिंग स्कूल ऑफ एक्टिंग. एंड आई फील अंडररेटेड एंड अ वेरी बिग फूडी हु ट्राइज वेरी हार्ड टू अच्छा, कंट्रोल व्हाट ही फूडी ईट्स ना, एंड इन अ वे वेरी फूडी। यस ही इज अ वेरी बिग फूडी. या फूडी तो सब है. हाँ फूडी तो सब है. यस. हाँ या हाँ देन एसीपी सर. और ओके, आई गो फर्स्ट चीज फर्स्ट. याद है कि थोड़ी, हाँ को मुझे अच्छा, कंट्रोवर्शियल फर्स्ट लाइन याद आई। इज अ वेरी बिग प्रैंकस्टर, बट हाउ यू नो छुपा रोस्ता. मतलब सामने वाले को पता नहीं चलेगा इफ ही इज बीइंग सार्कास्टिक और पुलिंग द पर्सन्स लेग और समथिंग. सेकेंडली, ही लव्स टू फीड पीपल. एवरी डे लंच में लाइक यू नो सही यू बात है। लाइक या यू नो कि अरे डू ईट दिस ईट दैट एंड एवरीथिंग, स्पेशली विथ ब्रो, यू नो. सो ही लव्स ऑल दैट. एंड वेरी डाउन टू अर्थ, यू नो, as compared to what you see as his stature, his you know fame and everything, he's way down to earth, I think. Yeah. True. द फर्स्ट थिंग आई, द वन वर्ड इन से ना, वो मस्ती, मुझे ऐसे वो मस्ती ऐसे दिखती है जब उनका नाम लेते हैं ना, बिकॉज ऐसे देख भी रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, जस्ट मस्ती। एंड देन वेन एवर इट्स अबाउट फूड, मतलब अभी एक काय, एंड देन इन मराठी में काय एवढं असं घेतलंय, अरे काय अरे फक्त ग्रेवी घेतली आहे, यू नो हाँ. पीसेस लो, ये करो वो करो, मतलब एज यू ऑलवेज पुलिंग, ऑलवेज। एंड Always. या सो व्हेन ही इज देयर, इट फील्स कंप्लीट, the unit feels just complete, and you know, with gravity, Like yeah. a father figure, you know, overlooking everyone and everything, and you know, making sure that okay, everything is fine and everyone is fine. Aisa. True, 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 true. Call to Daya sir. You don't tell your Daya sir to be on Instagram. पूरी दुनिया Instagram पे है. Why is not Instagram? Tell He should be, him. yeah. हाँ. Yeah, sir. Somebody's asking, do you remember the first shot with Daya sir? Do you remember? He's asking you. I Amulu is asking remember. I you. spoke about it in the last live also. आप वो वीडियो जाके Okay, देखो. okay. ठीक है. अच्छा, he is, I feel him is, he is like the, as the name suggests, he is the real दयावाना, मतलब जैसे उनका नाम है ना, मतलब कुछ भी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चाहिए, ये वो, मतलब he is there, you know? दया सर ने बोल दिया वैसे हो जाएगा ऐसे, तो मुझे वो उनका वो नाम और वो जैसे हैं वो एकदम सूट एब्सोल्यूटली. करता है। एंड देन वन ऑफ द बेस्ट पीपल एवर दैट यू विल मीट। एक्चुअली सो मच टू से, बट देखो आई डोंट, आई एम नॉट फाइंडिंग वर्ड्स। हाँ You have such या, और लॉट intense ऑफ फन। feelings for हाँ all the that sometimes you can't find the right words to, how do you यस, इतना express? सारा है ना, Yeah, correct.
करेक्ट. और कभी ना इस तरह से सोचा नहीं है कि टू एक्सप्रेस, बिकॉज़ वी नो इतने साल काम किया है, वी नो हु इज देयर, या हु इज करेक्ट. व्हाट, हाउ वो पूरा, लेकिन हाउ टू डिस्क्राइब देम वो मुश्किल है. कभी कभी कोई दूर के लोग होते हैं ना, उनको डिस्क्राइब करना आसान रहता है कि हाँ, या थोड़ा मिले होते तो, अभी इतना मिले, इतना जानते हैं, क्या बोले. या दैट्स ट्रू. तू बता. आई अग्री विद द सेम थिंग दैट एज बिग एज ही इज गॉट अ बिगर हार्ट एंड ही इज रेडी टू हेल्प एनीवन एनी टाइम एंड ही इज देयर फॉर एनीबडी. यू नो सेट पे भी चलो हम तो हैं, हम तो कॉप्स हैं, यू नो वी आर अ पार्ट ऑफ द मेन टीम एंड एवरीथिंग, बट इवन अदर एक्टर्स, अदर क्रू मेंबर्स, जूनियर आर्टिस्ट या स्टंट पीपल, एवरीवन ही इज देयर. कि उनको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो ही स्टैंड अप फॉर दैट पर्सन एंड एवरीथिंग, यू नो, एंड ही मेक्स श्योर दैट एवरीवन इज टेकन केयर. कुछ गलत हो रहा है, ही स्टैंड फॉर पीपल. आई हैव एक्सपीरियंस दैट पर्सनली. करेक्ट. एंड ही इज ऑलवेज विलिंग टू एडजस्ट, ही इज ऑलवेज विलिंग टू यू नो पुट द शो फर्स्ट. के जैसे सीआईडी में थे तो अभी शॉट लेना है, टाइम कम है, सर को कहीं जाना है, खाया नहीं है, यू नो ब्रेक नहीं हुआ है, भूख लग रही है, लग गया है. सो मेनी टाइम्स व्हेन ही इज बीन इंजर्ड और ही इज हर्ट एंड ही इज बैक टू वर्क लाइक दैट, यू नो. सो वो तो खैर सब में है, बट आई फील ही गोज टू दैट एक्स्ट्रा लेंथ, यू नो, फॉर हेल्पिंग एंड पुटिंग अदर्स फर्स्ट. That's the quality, na? Yeah. Pandit ji. This is Pandit. Pandit ji is Sachin, Inspector Sachin. Sachin. Pandit ji is so funny, he doesn't even know. And he loves to like just, you know, crack jokes and fool around and everything. He's a great person to talk to. Like there have been times where we both have had conversations for hours and hours and talking about everything and anything and all. So, you know, I have very fond memories of working with him in the show. Yeah, but he's funny. He's funny. He's not even quiet, he's funny, but it's just him. You know, it's just that's how Pandeji is, you know. मेरे साथ उनका ज्यादा कनेक्शन सीआईडी से ज्यादा फिर फोरस में हुआ, बिकॉज फोरस में सीआईडी में तो बाकी लोग भी बहुत सारे थे ना, एंड सारे लोग एक साथ होते थे. फोरस में मैं ज्यादा किसी को जानती नहीं थी, वो भी ज्यादा नहीं जानते थे, और उसका शूटिंग उमरगांव में होता था, तो हम लोग ट्रैवल करके यहाँ से जाते थे. और स्टार्टिंग के हमारे सारे मतलब टेलीकास्ट होने से पहले ही हमने करीब एक महीना शूटिंग करना, एक महीना नहीं काफी महीने पहले, तो हर बार जाना आना बॉम्बे से, फिर साथ में कभी ढाबे पे खाना वहां पे भी. सो आई हैव दोज मेमोरीज ऑफ पांडे जी, एंड आई रियलाइज आई बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स विद हिम ड्यूरिंग पोरस. मतलब इतने साल सीआईडी करने के बावजूद एक्चुअली पोरस के दौरान वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड गुड कनेक्शन वी हैड अलॉन्ग विद अदर पीपल. आई रिमेम्बर द लास्ट डे व्हेन ऋषिकेश वाज, उनका जो लास्ट दिन था ना जब वो जा रहे थे, so I literally cried because I said shit, now Rishikesh is going and it was such a good company and you know ye wo. So and that was the connection with him, but yeah, you know, he's full of energy, itne sab wo honge na, so my god, constant he can talk and he can talk on any subject, and very warm as a person. Unko wo social hona bahut acha lagta hai, he loves to be social. Abhi unki baaton mein aisa hai ke ya you should keep meeting, you know, kya tum message nahi karti ho, tum phone nahi karti ho, kya tum, you know, very social as a person. Yes, true. Somebody's asking acha tumhare aur Daya sir ke bare mein kuch batao. So just इतने सारे मैसेजेस है, इतने सारे मैसेजेस है, लेकिन सब मैसेजेस हम नहीं पढ़ पा रहे. आई लव द बॉन्डिंग बिटवीन आदित्य एंड शिवाजी सर. यस यस, वेरी गुड बॉन्डिंग, इवन ऑफ स्क्रीन वेरी गुड बॉन्डिंग दे हैव. यस,
एनी दे क्रेजी ऑल फनी थिंग्स हैव अ ऑफ द ग्रेट बॉन्ड विद ईच एंड एवरीवन. मतलब उनके आपस में भी उनका इंडिविजुअल बॉन्ड विद एवरीवन इज वेरी, एक्चुअली द होल टीम. आई फील आई हैव नॉट सीन सच बॉन्डिंग विद इन द एक्टर्स ऑन एनी सेट, यू नो, कि सब एक साथ खाना खा रहे हैं. एंड दे हैव बीन वर्किंग सिंस लाइक यू नो एजेस नाउ. एंड द काइंड ऑफ बॉन्ड दे शेयर इज लाइक अ फैमिली मेंबर, यू नो, दैट कांट बी रेप्लिकेटेड. इट्स जस्ट इमेजिन 20-21 साल, सैटरडे संडे की छुट्टी भी नहीं, सुबह या 9 बजे आप पहुंच जाते हो सेट पे, रात को 9 बजे पैकअप होता है, तो इतना टाइम तो हम ऑफिस में भी नहीं स्पेंड करते और या फैमिली के साथ भी नहीं करते, इतना टाइम स्पेंड किया है साथ में तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट. यार। दैट्स ट्रू. फ्रेडी सर, हिंदी भी बोलो तो अंग्रेजों। हाँ दाबीर, हम बहुत हिंदी बोल रहे हैं क्या? ओके ओके ओके, हम बोलते हैं हिंदी में बोलते। जानवी मैम, श्रद्धा मैम, होप सम डे ग्रेट टू मीट यू ऑल। एब्सोल्युटली श्रद्धा कुमारी, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई करेंगे करेंगे। हाँ फ्रेडी सर ना, फ्रेडी सर, फ्रेडी सर के नाम लेते हुए वो डालो, एकाए सगो एकाए चालू है। सक्सेस पीठा, सक्सेस पीठा, वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट हार्टेड रेडी सर। एंड नो ईगो, नो एटीट्यूड एट ऑल। या एंड टोटली. और कहीं ना कहीं यू नो ही तो ऐसे, मतलब कभी बहुत ज्यादा कुछ होने लगता था ना, जैसे ये टफ शूट वो शूट, तो वो बोल सर, फ्रेडी सर इज लाइक कि ये क्या हम कैसे करेंगे, इतना बड़ा माउंटेन है कैसे चढ़ेंगे, ये सब क्या हो रहा है। और फिर रात को 2-2 बजे की शूटिंग होती थी, तभी याद आता, अरे यार एक क्या है, 2 बज ले, कब पैकअप होगा इन लोगों का। और आई जस्ट रिमेम्बर दीज थिंग्स, बट वेरी वेरी गुड फ्रेंड ही कैन बी। Yes, correct. I agree with everything that you said. He's such a simple man, and you know, very very sweet. You know, उनका कोई किट किट विट किट कुछ भी नहीं होता है. Nothing like and his punch lines are out of the world. Like when he's in a you know, that when everyone is having fun and you know he's being funny and all, his punch lines he says with such a straight face, it's amazing. गुप्ता जी, गुप्ता गुप्ता जी, आई हैव नॉट वर्क जी, विद हिम सो मच. अच्छा तो उन्हें इतना नहीं किया? हाँ अकेले मैंने हम, इतना नहीं मैं किया तो भाई बट मैंने उनसे ज्यादा किसी के साथ नहीं किया। ऑब्वियसली यू आर अ टीम. But हाँ great actor to work with, very nice. I have, good memories. To what? यू नो, दिल से बहुत अच्छे और साफ दिल के, जब जब भी वो खुल के बात करते हैं ना, सो देन ही सो ओपन। सारी चीजें जब वो बात करते हैं यू नो, अपने बारे में, अपने प्रॉब्लम्स और जो भी डिस्कस करते हैं, सो ओपन। और ये वो एक्टर है जिन्होंने बहुत, उनका काम का एक्सपीरियंस है, उन्होंने इतना ज्यादा थिएटर किया है। एंड मैंने उनके कुछ एक दो प्लेस देखे हैं जहाँ पे यू नो 3 घंटा ऑडियंस को संभालना, यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सोलो प्ले। या I've seen that. So, उनका भाषा का जो उनका पकड़ है, भाषा फीचर पकड़, यू नो दैट्स टेरिफिक एंड वेरी एनर्जेटिक। मतलब ही वाज व्हाट एवर, मतलब एज इतने भी यंग नहीं थे, बट देन द बोलते ना वैसे एब्सोल्युटली लाइक यूथ। ही हैड नेवर लाइक कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, दिस नॉट एज, ही हैड मोर एनर्जी मोर देन इवन यंगस्टर्स। या तो अभी भी हम यू नो वी चैट समटाइम्स, व्हाट्सएप पे बात बात होती है, कभी कभी ऐसी बात होती है, तो ओ या या समटाइम्स। कौन ब्रो? ब्रो तो हमारा जान है, ब्रो के बारे में, ब्रो तो वो हमारा है, वो है इज आर एकदम डार्लिंग. ऐसे, मतलब हमारा कौन नहीं डार्लिंग है है वो। जिसको ब्रो से प्यार नहीं है.
लाइक ही इज एवरीवन्स जॉब. ब्रो जब मोटू मोटू था ना टोटली सेट पे भी सेट पे सबका जान है वो. और वो जो मोटू मोटू था ना तब हमको ऐसा और अपना लगता था एकदम मोटू. अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है ब्रो ब्रो का? ब्रो को तुम लोगों ने देखा होगा ना ब्रो का रेव स्क्रीन पे शायद नहीं देखा ब्रो को कभी इतना पतला है ना स्क्रीन पे. सीआईडी के बाद ब्रो हाँ हाँ मुझे देखना है लोगों का रिएक्शन क्या. हेलो हाँ हाँ क्या बोल रही हूँ. हाँ नहीं एकदम से हैंग हो गया बोल. ये मेरा वो कट मैंने वो स्क्रीन बंद किया तो वो पूरा चला ही गया. तो तुम लोग को क्या लग रहा है ब्रो ब्रो के बारे में तुम लोग का क्या कहना है? ब्रो इज अजय नागरथ हु प्लेस पंकज. हाँ हाँ ही कॉल्ड हिम ब्रो बिकॉज़ ही इज एवरीवन्स ब्रो यो. ये लॉक से लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया 30 जून तक. हाँ मैं वही तो पूछ रही थी ये कब डिस्कस हुआ आज? नहीं आई थिंक कल आया होम मिनिस्ट्री ने कल यू नो दे अनाउंस दिस एज फार एज आई नो रियली. लेकिन दिस लॉकडाउन इज विथ यू नो यू इट्स नॉट एज स्ट्रिक्ट लॉकडाउन दैट इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड फेज राइट? No, so from the Home Ministry, they have sent their rules and regulations. But now it's up to all the individual states and union territories to assess the situation and then, you know, make their own rules. Like on the basis of what the Home Ministry has said. Unko lag raha hai ki, you know, abhi thoda contain ho raha hai, kam cases aa rahe hain. So then they can start opening cheezein. बट जैसे महाराष्ट्र और मुंबई में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं रोज सो शायद यहाँ पर चीजें इतनी नहीं खुलेंगी सो वी विल जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच क्या होता है. ठीक है ये सब बोल रहे हैं कि हम उनके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे रहे हैं ऐसी बात तो है नहीं. टेल अस व्हाट या इट्स टू स्पेशल फॉर समवन या सुन लो सर प्लीज सचिन इज फनी. Oh, somebody saying 11 AM today Modi sir came live. Oh, I had no idea. मैंने नहीं देखा. मुझे पता ही नहीं था actually. अच्छा मोदी जी आए थे. Okay. रजत सर के बारे में बताओ. Arden CID ने आपसे. Okay. Rajat was played by Vikas Kumar. Fabulous actor. उनको देख के ना मुझे मतलब द वे ही परफॉर्म्स एंड द वे यू नो ही कैरीज हिज कैरेक्टर मुझे आदित्य सर की बहुत याद आती है. एक तो यू नो दोनों का ऐसे ढांचा एंड यू नो द एक्सप्रेशंस एंड देयर जेस्चर्स आर वेरी सिमिलर बट विकास इज अ वेरी स्मार्ट गाय वेरी इंटेलिजेंट गाय यू नो लाइक यू कैन हैव अ रियली गुड कॉन्वर्जेशन विथ हिम यू नो. And he was there with us थोड़े time के लिए ही था फिर he had to leave the show. But I think हमने जितना भी shoot किया बहुत मजा आया. हम लोग सब बहुत मस्ती वस्ती करते थे everyone and all. So it was good, yeah. जब एक time था जब सारे लोग पूरा gang होता था बहुत ज्यादा लोग होते थे. बहुत ज्यादा कितने सारे लोग होते थे ना एक time था जब 3 episodes होते थे. कुछ फोर महीने हाँ वी यूज टू शूट 4 एपिसोड्स आल्सो फ्राइडे सैटरडे संडे तो रेगुलर एपिसोड्स आते थे और फ्राइडे को जो अपना रेगुलर एपिसोड आता था उससे पहले एक और एपिसोड आता था छोटे हीरोज विद किड्स सो देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वुड शूट 4 एपिसोड्स थर्सडे फ्राइडे दो और नहीं फ्राइडे को दो एंड सैटरडे संडे. अच्छा एक मिनट होल्ड करो मैं ना हेडफोन पहन रही हूँ. श्रेया मैम आप क्या लास्ट तक थे? नहीं मैं लास्ट तक नहीं थी मैंने 2016 में ही शो छोड़ा था और सीआईडी खत्म हुआ 2018 में. या Oh my God,
अरे मेरा छोटा जो बाकी हेडफोन है उसका बैटरी चला गया। ओके Somebody saying I look like Priyanka Chopra. I like ओह वाओ दैट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट that. ये एंड व्हाट बस अब आई थिंक निर्वी भी उठने वाली है चलो सीआईडी थैंक यू ऑल। मतलब पहली बार हु वाज द मोस्ट फनीएस्ट ऑफिसर बोथ इन एंड आउट दया एंड ब्रो बेसिकली। या नहीं आई थिंक इट हाँ वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ दया सर पांडे जी एवरीबडी फिर एवरीबॉडी तो सारे नाम हो जाएंगे। हाँ हाँ एक्चुअली एवरीवन ना कभी कभी जब आदित्य सर फ्रेडी सर और एसीपी सर होते थे तो उन तीनों का कॉम्बिनेशन भी लाइक दे वुड हैव देयर ओन काइंड ऑफ ह्यूमर यू नो पुलिंग ईच अदर्स लेग्स एंड आदित्य सर लाइक यू नो मेकिंग दोज सार्कास्टिक रिमार्क्स एंड एवरीथिंग या चलो थैंक हम यू कोशिश एवरीबॉडी करते फॉर हैं उनको जॉइनिंग बोलने इन में। श्रद्धा विल हम टेक सब लीड कोशिश करेंगे सबको बोलने में कि सब लोग भी इंस्टाग्राम पे आओ ताकि सब लोग आप लोग यस के साथ बात कर सके। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा सारों लोगों को देखने में। एक्चुअली फ्रेडी सर को बोल सकते हैं आने। फ्रेडी हाँ फ्रेडी सर तो सर इज है ऑन इंस्टाग्राम। यस 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 चलो ठीक है टेक केयर चलो थैंक यू एवरीवन। थैंक आई विल रीड द यू मैसेजेस अभी बाद में। आई एम गोइंग टू रीड ऑल द मैसेजेस after यप this। यप Bye बाय bye, गाइस see you। सी यू बाय